हेलो व्हाट इज अप गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो सारे के सारे लगभग जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं सारे पेड होते हैं, जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और काफ़ी भी ऐसे बंदे होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है फ्री में। तो फ्री में वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर तो नहीं आते हैं, पर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिना किसी वाटरमार्क के 1080 या फिर 4K तक भी आपको वीडियो एडिटिंग के सपोर्ट दे देते हैं फ्री में। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 5 ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो आपको फ्री में मिलते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क, और 1080 60fps 120fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 60fps पे आप रिकॉर्ड नहीं एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए और लो एंड पीसी पे भी काम कर जाएंगे आपके जो दो स्टार्टिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, 5th और 4th नंबर पे जो हैं। तो हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग लिस्ट को। तो 5 ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा और लास्ट में एक बोनस जो आपका एडिटर है वो बोनस एडिटर है। तो इस टोटल वीडियो में 6 आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा मैं जो फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और पहला अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन शॉट, और इसका मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो इस टाइप का सब कुछ सॉफ्टवेयर है और बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट अपने मर्जी से कुछ भी नाम दे के बना सकते हैं। तो बहुत ईजी सा इसका इंटरफेस है और 1080 60 120fps पे आप इसके अंदर अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। लो एंड पीसी अगर आपके पास है, ड्यूल कोर है तो ड्यूल कोर में भी ये अच्छे से काम कर देता है। और फिर अपना 4th नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है, और एक और बात बता दूं मैं, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और विथ नेम, और जो बोनस जो अपना एडिटर है उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी लिंक। तो आप वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर लेना जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है कैसे डाउनलोड करने हैं क्या। बाकी मैं बता देता हूँ, ओपन शॉट अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओपन शॉट वीडियो एडिटर, ये आपको दिखेगा ओपन शॉट वीडियो एडिटर। और पहले तो हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, और इसको करता हूँ मैं सर्च। तो आपको ओपन शॉट वीडियो एडिटर लिख के बस एक बार एंटर हिट करना है और आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ नेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है ओपन शॉट ओपन शॉट वीडियो एडिटर और एंटर हिट करना है। एंटर हिट करते आपके सामने एक साइट ओपन होगी, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो ओपन शॉट .org नाम से एक साइट है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा डाउनलोड वर्जन 2.5.1 करके कुछ है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, दिखा सकते हैं ट्रीमेंट स्लाइस, काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, 3D एनिमेशन, स्लो मोशन एंड टाइम इफेक्ट्स, सिंपल यूजर इंटरफेस जो आपको मैंने दिखाया अभी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और फिर वीडियो इफेक्ट्स भी है और अनलिमिटेड ट्रैक्स, आप कितने भी टाइम तक इसको ऐड कर सकते हैं, कितने भी ट्रैक इसमें ऐड कर सकते हैं। और एनिमेशन भी है इसके अंदर, एनिमेशन सपोर्ट दे रहा है 70+ लैंग्वेजेस में है। और बस यही इसके कुछ फीचर्स हैं। और अपना जो दूसरा वीडियो एडिटर है उसका नाम है शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट इस टाइप का कुछ इंटरफेस है। इसके अंदर आपने अपना खुद के नाम दे के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एफएक्स इफेक्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और बस इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दूँ, सेम शॉर्टकट जैसा है, बस ये थोड़ा सा एडवांस मान लो, आप थोड़ा सा एडवांस मान लो इसको। तो आपको लिखना है शॉर्टकट और वीडियो एडिटर, और आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी shortcut.org। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका भी इंटरफेस कुछ ज़्यादा ही मतलब सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैक वगैरह कुछ भी ऐड करने हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है इसका भी। और ये अपनी लिस्ट में 4th नंबर पे है। तो अपने 3rd नंबर पे जो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, 3rd नंबर पे सॉफ्टवेयर उसका नाम है हिट फिल्म, और MSI की तरफ से आता है हिट फिल्म नाम से। और ये इसका इंटरफेस है, इसको ओपन करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो वो बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे अगर आप न्यू पे क्लिक करते हो तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं, 1080 60fps तक ये आपको रेंडर करके दे सकता है, 4K 60 पे भी आपको ये रेंडर करके दे सकता है। आपको दिखा दूँ 4K 60fps पे,
और आप अपने हिसाब से कस्टम से कुछ भी अपने फ्रेम रेट इसको सेट कर सकते हैं। ये भी लो एंड पीसीज के लिए थोड़ा बहुत काम कर देगा। अगर आपका i3 प्रोसेसर तक है तो आपके में अच्छी तरह से चल जाएगा। अगर आप 1080 पे एडिटिंग करते हो तो अब आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो आपको लिखना है हिट फिल्म, बस आपको हिट फिल्म लिखना है और एंटर हिट करना है। और हिट फिल्म लिखोगे तो भी आ जाएगा, हिट फिल्म एक्सप्रेस लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये साइट आएगी आपके सामने fxhome.com, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आपको एक अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, और अकाउंट बनाने के बाद में आपको मैं दिखाई देता हूँ आपको पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पहले तो बिल्कुल एकदम पूरा स्लाइड कर देना है लेफ्ट की ओर, पूरा स्लाइड करना है। तो यहाँ पे 0 USD लिखा हुआ आ जाएगा। आपके पास पेड वर्जन भी होते हैं इसके, मतलब काफ़ी पेड वर्जन है। और 0 USD पे आप डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड कर लेगा और आपकी ईमेल पे एक हो जाएगा, ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उससे इस लिंक पे आना है, इसको डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट बनाना है। और अकाउंट जो बनाया है आपने, जैसे यहाँ पे आप अगर अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे अकाउंट बनाना है आपको अपनी ईमेल से, जीमेल से जैसे मैंने बना रखा है। तो आपको अकाउंट बनाने के बाद में क्या करना है, तो वो जो अकाउंट है वो इसके अंदर जाके आप जब इस सॉफ्टवेयर को खोलोगे तो खोलते ही वही अकाउंट मांगेगा। तो वो अकाउंट और पासवर्ड डाल के आपको एंटर करना है, तो वो आपका क्या हो एक्टिवेट हो जाएगा जो प्रोग्राम है हिट फिल्म। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको इंस्टॉल करना, बाकी सारे सॉफ्टवेयर एकदम ईजी है। तो बात करते हैं अपने सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सेकंड जो अपना सॉफ्टवेयर है वो है VSDC, और ये आपने सुना भी होगा VSDC वीडियो एडिटर। तो आपने लिखना है VSDC वीडियो एडिटर डाउनलोड, और ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो एडिटर और वीडियो एडिटर 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, 92 MB का ये सॉफ्टवेयर। बहुत ईजी सा, सिंपल सा, छोटा सा सॉफ्टवेयर है बट है बहुत पावरफुल। यहाँ पे मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। आप अगर इसको ओपन करते हो तो इस टाइप का कुछ दिखाता है कि अपग्रेड टू प्रो, पर आपको प्रो पे अपग्रेड नहीं करना है, आपको जो नॉर्मल वाला है वही यूज़ करना है। और वो भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है अच्छे खासे, 360 3D एडिटिंग, मोशन ट्रैकिंग और AI आर्ट जनरेशन, UHD पे आपको मतलब 4K पे ये रेंडर करके आपको वीडियोस दे देता है, मास्किंग टूल, क्रोमा की, काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और 3D प्रो चार्ट, मल्टीमीडिया कंबाइनर जो भी है, मतलब ये काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। VSDC इसका नाम है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से। और इन सब के जो डाउनलोड लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहले नंबर का सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डिविंची रिजॉल्व। आप यहाँ पे अगर लिखते हैं डिविंची रिजॉल्व और 17, डिविंची रिवॉल्व रिजॉल्व 17, तो यहाँ पे आपको ब्लैक मैजिक्स डिजाइन करके एक वेबसाइट मिलेगी, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट ओपन होगी और सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे जाना है, और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा फ्री है। आप अगर डिविंची रिजॉल्व 17 डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल फ्री है। डिविंची रिजॉल्व स्टूडियो 17 अगर डाउनलोड करते हैं, स्टूडियो जो वर्जन है इसका पेड वर्जन होता है, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिविंची रिजॉल्व 17 को अगर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैक, विंडोज़ और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इसका इंटरफेस आपको अभी दिखा नहीं सकता कि मैंने इसको डाउनलोड कर नहीं रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दे रखे हैं काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स ताकि आप पहले से अंदाज़ा लगा सकें किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। तो मैं अभी या तो VSDC या फिर अपना हिट फिल्म यूज़ करता हूँ मेरी जो वीडियो एडिटर्स, जो मेरी वीडियोस आती है उसको एडिट करने के लिए, और कभी कभी मैं ओपन शॉट और शॉर्टकट का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी ये अपना था फर्स्ट। और अभी अगर अपन बात करें अपने बोनस जो एडिटर है उसके बारे में, तो वहाँ उसको अगर बताता हूँ, वो ऑनलाइन वीडियो एडिटर है जिसका नाम है पेनजॉइड। अगर आपको अपने, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोई भी वीडियो बनानी है, अपने इंट्रो वीडियो बनानी है, अपने वीडियो के फर्स्ट में 7 to 10 seconds के अगर आप वीडियो लगाते हो, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी, अगर इस टाइप की आपको आपको वीडियो बनानी है, थोड़ा टाइम लेता है, ये ऑनलाइन है,
और मेरे चैनल में जो स्टार्टिंग में वीडियो लगी हुई है वो भी इसी साइट से है, पेनजॉइड नाम की साइट है ये, और काफ़ी अच्छी साइट है। आपके पीसी के स्पेक्स पे डिपेंड नहीं करती वीडियो रेंडर वगैरह करने में। और अगर इस टाइप के आपको इंट्रो चाहिए आपकी वीडियो के अंदर तो आप इस साइट पे जा सकते हैं, और मैं इस साइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। penzoid.com नाम की ये साइट है, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से आप अपनी साइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ये फ़ोन पीसी हर किसी में काम करता है, लाइक टैब में चलाओ या किसी में भी चलाओ, हर किसी पे काम करेगा। तो बेसिकली यही था, और अगर आपको इस टाइप के और कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आने वाली है पिक्सल आर, जो आपका फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है, उसका थोड़ा ट्यूटोरियल बता दूंगा मैं। और कुछ वीडियोज़ आएंगी मेरी इस पेनजॉइड पे, तो उसके लिए आप मेरे अगर उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, और बेल जो नोटिफिकेशन है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू गाइज़।